ओम शांति। आज की तारीख है 2/9/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक जो कल मीठे मीठे बाप दादा ने बात बताई थी हम ब्राह्मणों के परिचय की निशानी की, वही बात आज फिर से बाबा दोहरा रहे हैं। और मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब देवता बन सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि देवता बनने से पहले हमें शूद्र से ब्राह्मण अवश्य बनना पड़े, हम सीधा शूद्र से देवता नहीं बन सकते। इसीलिए हमें पहले शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बच्चा बनना पड़े। प्रश्न है आज का, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? ऐसी कौन सी शुभ भावना है जो मनुष्यों को अच्छी नहीं लगती, तब तो विरोध करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं कि तुम्हारी शुभ भावना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि ये पुरानी दुनिया अब विनाश हुई की हुई, इसका भी मनुष्य विरोध करते हैं। प्रश्न है, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा क्या है? इंद्रप्रस्थ माना अपना प्यारा मधुबन, जहाँ मीठे मीठे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान मुरली सुनाते हैं। उत्तर है, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा, कोई भी पतित यानी अपवित्र ब्रह्मचर्य व्रत की जो पालना न करता हो उस व्यक्ति के लिए यहाँ निर्देश किया गया है कि कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में ला नहीं सकते। शूद्र माना जाति से नहीं, परंतु कर्म से जो शूद्रपन को प्राप्त है, ये उनकी बात हो रही है। बाबा कहते हैं कि अगर कोई ले आते हैं तो उस पर भी पाप लग जाता है। ये कर्मों की गहन गति है जो बाबा हमें शॉर्ट में समझाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार की दो बातें, नंबर एक है, फूलों के बगीचे में चलने के लिए हम सब कौन है? बागबान के चैतन्य बगीचे के चैतन्य फूल। तो बाबा कहते हैं फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम और क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जाए। नंबर दो है, सच खंड का मालिक बनने के लिए सत्य नारायण की सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। कथा किससे सुनेंगे? सत्य बाप से सत्य नारायण की कथा सुनकर सत्य नारायण बनेंगे। आगे बाबा कहते हैं इस झूठ खंड से किनारा कर लेना है। वरदान है आज का, बाप के स्नेह को दिल में धारण कर, बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे स्नेही भव। किसके सच्चे स्नेही? मीठे मीठे परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सच्चे स्नेही बने। बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं तो दिल में परमात्म स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई भी स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता।
अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसलिए सच्चे स्नेही बन परमात्म प्यार से भरपूर रहो, स्लोगन है आज का। बाबा कहते हैं, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थरों को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।